अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ये बड़ी, मुझसे कहा गया था कि ये वाला जो क्लिप है ना, ये मैं ज़रूर ऐड करूं। और ये फरहान की तरफ से बड़ी वो आई थी रिक्वेस्ट कि यहाँ पर आप लोगों को शायद पता हो कि जो बाहर के ममालिक हैं, यहाँ पर गाड़ी की पासिंग होती है, गाड़ी को पूरा चेक किया जाता है, उसके टायर्स, इंजन, बेल्ट, सब कुछ चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी पासिंग होती है। विदाउट पासिंग आप गाड़ी बाहर नहीं चला सकते रोड पे। अगर किसी वजह से आप पकड़े गए, आपकी गाड़ी बहुत पुरानी लगी और पुलिस ने आपको रोक लिया, तो आपका चालान हो सकता है। तो ये जो है फरहान की रिक्वेस्ट पे मैंने कहा आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि मुझे लगता है उनका ये आइडिया मुझे भी पसंद आया कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जब गाड़ी की पासिंग होती है तो मिलना जुलना व्लॉगिंग में तो चलता ही रहता है। रेस्टोरेंट्स में जाना, कोई नई जगह हो या कोई नई चीज़ हो, उसको दिखाने में और भी मज़ा आता है। और ये हमारी भी जो एक होती है ना डायरी, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि अच्छा हमने ये बनाया था, और वो हम भी बाद में इंजॉय करते हैं। अब देखें, जैसे यहाँ पर मना नहीं है, यहाँ पर ख़वातीन भी आती हैं अपनी गाड़ियाँ लेके और गाड़ियों की पासिंग कराने, लेकिन इत्तेफाक है कि मैं आज तक नहीं गई, तो मैं भी आपके साथ ही देख रही हूँ। और बल्कि मुझे हैरत हो रही है कि इतनी ज़्यादा डिटेल में जो है ये गाड़ी चेक होती है और फिर उसके बाद ये पास होती है। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. और जनाब, आखिर में सही की जांच पड़ताल करके, गाड़ी को ठोक बजा के देखने के बाद, आखिर में खुश करने के लिए उसको साबुन से उसका मुंह धुला के ना, तो अब जो है वो उसके मालिक के हवाले कर दिया। मालिक भी खुश और गाड़ी भी बेचारी खुश। Till then, nope, 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 nope. और जनाब, ये हमारा बिल्कुल आखिरी काम था जो इस घर में होना था, मिट्टी वाला, ईंटों वाला और सीमेंट वाला। और जनाब, वो काम क्या था? वो था मेरे रूम में जो बड़ा सा टेरेस है उस पर लगने थे टाइल्स। और क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और यहाँ ऊपर का जो रूम है इसमें जो है बस अब शिफ्टिंग होगी, और इससे पहले मैंने कहा कि भाई जल्दी से जो है वो अच्छा सा इसका फ़र्श बनवा लें, ताकि बाद में फिर जो है ना, जब शिफ्ट हो जाए बंदा, तो फिर मज़दूर वगैरह ना आए तो बेहतर है रूम में। तो इस वजह से जो है बस इसका काम हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं सोफ़े वगैरह जो रखे हैं, ये सब जो है नीचे वरांडा के सोफ़े हैं, जो कि आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे जब हम सेट करेंगे। अभी मौसम ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ नीचे बैठा जाए, तो जैसे ही बैठने के काबिल होगा तो ये ऊपर के जो सोफ़े हैं ये नीचे चले जाएंगे, गार्डन सोफ़े। सब लोगों के आज हमारी जो थी वो थी छुट्टी स्कूल से, क्योंकि हमारे स्कूल ने बहुत अच्छी अपनी प्रोग्रेस दिखाई है, तो खुश होके जो है हमें हमारे प्रिंसिपल ने छुट्टी दी है। और बड़ा ही आज का दिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज का दिन सब काम पर गए हैं और हम लोग जो है वो बस छुट्टी मना रहे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सोचा, आज हमने एक नई चीज़ करने को सोची, और वो है आज हम लोग जा रहे हैं आयजा और निमरा को स्कूल से पिक करने।
और एक तरह से ये पार्टी होने वाली है आज, और आयजा निमरा के लिए सरप्राइज़ है, और कि उनकी खाल अम्मी और मेगा ब्रदर जो है उनको लेने आ रहे हैं, और बहन है मेरे साथ, तो हम लोग ज़रा बातें बातें करेंगे क्योंकि फिर ये वक्त नहीं आएगा। मेरा स्कूल होगा वीकडेज में, तो ये आज का ही दिन था कि हम इसको इस तरह से सेलिब्रेट करते। तो बस अब जो है वो हम आपको दिखाते हैं कहाँ से निकल रहे हैं। तो बस अब हम ये लोग जा रहे हैं, हम लोग रास्ते में हैं, और मैंने कहा मैं जल्दी से आपके साथ वीडियो बनाऊं क्योंकि फिर मैंने करनी है अपनी बहन से बातें, और जब स्कूल करीब आएगा तो हम आपको स्कूल भी दिखाएंगे, तो और बच्चों से भी मिलवाएंगे, उनकी प्यारी प्यारी बातें भी सुनवाएंगे। तब तक के लिए अच्छा, तो जनाब अब हम आ गए हैं बच्चों को स्कूल। अच्छा ये नया स्टारबक्स अभी तो जो है बांग्लादेश स्कूल है, और यहाँ पर 3 से 4 स्कूल हैं, और ये जो है वो क्या कहलाता है मरियम, ये कौन सी जगह कहलाती है, कंपाउंड। ये जो है ये कंपाउंड है, कंपाउंड में अहमद इब्राहिम का स्कूल था जब हम लोग पहली दफा, तो जनाब ये वाला जो जगह है ये अहमद इब्राहिम ने इधर ही इसी कंपाउंड में जो है पढ़ा था टैलेंट स्कूल के में, और ये जो स्कूल है ये कंपाउंड में है, और जब हम यहाँ शारजा से शिफ्ट हुए थे तो यही स्कूल इन लोगों का था, फिर इसके बाद ये लोग अलनूर में चले गए थे। और जो कंपाउंड ये जो स्कूल है ये बहुत दूर है, अभी नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ रश बहुत होता है। एक तो ये कंपाउंड है छोटा सा, ऊपर से 1000 स्कूल है, तो 1000 लाखों का आती थी बच्चों को लेने। जब बच्चों का ये एडमिशन हुआ था, हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे 9 जुलाई को, और बच्चों के स्कूल खुल गए थे 1 सितंबर और 5 सितंबर इस तरह। तो मैंने बच्चों को समझें 25 अक्टूबर तक जो है वो पिक किया है, और नहीं 24 अक्टूबर तक मैंने बच्चों को पिक किया, और मैं इस पिक एंड ड्रॉप से तंग आ गई थी। तो मैंने पाकिस्तान उर्दू स्कूल में अप्लाई किया और मुझे माशाल्लाह फौरन जॉब की ऑफ़र भी आ गई। तो मैंने बस समझे यहाँ कितने हो गए, 1.25 महीना बच्चों को पिक एंड ड्रॉप किया, ड्रॉप नहीं किया, फरहान ड्रॉप करते थे, पिक किया था, उससे मैं पक गई थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जॉब लग गई, फिर बच्चों की खुद ब खुद जो है वो इनका वो शुरू हो गया, यहाँ पर आराम से जो है आपको कन्वेंस मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी सेट हो गए और हम भी सेट हो गए, और बहुत जल्दी सेट हो गए, आ गए हैं, और अब जो है बस अब देखते हैं ये लोग कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अच्छा अबैंडन्ड प्लेस, भाई यहाँ पर स्केरी स्टोरीज भी निकल आई है, बच्चे कह रहे हैं अबैंडन्ड, अबैंडन्ड जो है वो प्लेस है, और अबैंडन्ड प्लेस की वजह से वहाँ गोस्ट हो गए। बच्चों ने एक नई स्टोरी बताई है तो दिखाना चाह रही थी। अच्छा ये रास्ता, ओहो, तो जनाब ये मैं अब आराम से, कोई देखे ना देखे, मैं खुद ही YouTube पे अपना ये देख के ना वीडियो और इन्जॉय करूँगी। ये मेरे बच्चों का भी पहला स्कूल था यहाँ पर आने के बाद, एक साल ही इन लोगों ने पढ़ा हुआ, कितना खूबसूरत है। अभी तो हम चिप्ता खाएंगे, तिप्ता ओल्ड है। अच्छा ये जो है ना नाजरीन, ये है असली जमीन, पानी पे नहीं बनाई हुई, तो यहाँ हरियाली बहुत है। यस आयजा, और देखिए ऐसा लग रहा था ट्रेन का सफ़र है। मैंने जल्दी में ये देखिए मैंने जल्दी में क्या रखा, कपड़ों से मिलता जुलता फल, ये मैं और मरियम खाएंगे कीनो। ओके रियली व्हिच मूवी इज इट फ्रॉम, निम्बू, चलो पड़ोस में जा रहा है ये लो मरियम, एंड दिस इज फॉर मी। मेरी बहन का पहला घर यहाँ था, नहीं दूसरा, तीसरा पहला वेला था, मेरी बहन अमराज लुलू, पहला तो वो वेला वाला था, उससे पहले पहला तो सती वो वेला वाला यही वाला था। हमारी पिकनिक स्टार्ट हो गई। ऐसा आपको कैसा लगा, आपको मेगा ब्रदर लेने आए अच्छा लगा, सरप्राइज अच्छा लगा है निम्बू? तो आप लोग कल आ रहे हैं हमारे यहाँ,
अरे इनको तो ये पता ही नहीं है। सही सही, खूबसूरत सफर भांजियों के साथ तकमील के मराहिल पे। और बहरीन जो है वो बना ही सारा उस पर है, पानी पर। बैकग्राउंड में आपको शार्क टू 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 भी मिलेगा आज। लेकिन इस रास्ते से मैं नहीं आती थी, मैं जाती थी हिद वाले ही रास्ते से। ये आज अहमद साहब लेकर आए, थैंक्स टू मेगा ब्रदर। सीधा उनको कमरे में बंद, उनको कमरे में लाइट लाइट बंद करें, लाइट ऑफ। मैं बच्चे रो रो के ना सांस रोक लेते हैं। आय हाय, इसलिए मैं ये कर, खुद ही फिर जब सांस रोकेंगे तो बहुत सुनेंगे। बस कर दो, उसके बच्चे भाई वो सुनते हुए, अहमद वो ये सुनते हुए रो देगी। खल्लो ऐसी बातें नहीं करो, बहुत नरम दिल औरत है। बिस्मिल्लाह की बरकत कौन बोलेगा। Did you enjoy? कुछ बच्चे अभी भी लग रहे हैं। चलो ओके आयजा निमला, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बी हैव फन। मुझे आया ऐसे निमला, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके वेव करो स्क्रीन पे, बाय बाय, से बाय बाय बाय।